अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। समद शब्बीर मेरा नाम है और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा है, इकरारुल हसन ने ये इकरार किया है कि 2000 केस के अंदर उनको अगवा किया गया। ये एक बड़ी मॉडर्न टेक्निक थी अगवा की, क्योंकि उनकी बहुत सी इस तरीके की स्टोरीज़ जो है वो उनके सामने से गुजरी हैं। उन्होंने बड़े डिफरेंट तजर्बात किए और कहीं ना कहीं कोई इस बात को माने ना माने, जितने भी इस टाइम पे यंगस्टर्स हैं वो अपनी चढ़ती हुई जवानी के अंदर इकरारुल हसन के प्रोग्राम्स को देखते हुए बड़े हुए हैं और बहुत हद तक लोगों ने उनको पसंद किया, सराहा कि वो लोगों की खिदमत करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही और भी बहुत से इस तरीके के पाकिस्तान के बड़े फेमस एंकर्स कह लें या ऐसे लोग जिनको काफ़ी हद तक मेजोरिटी लोग जो है वो ईमानदार समझते हैं, वो सब इसके ऊपर यही कह रहे हैं। इसका उन लोगों ने कुलिया क्या पेश किया, उन्होंने कहा कि जो ईद गुजरी तो ईद के ऊपर इकरारुल हसन ने जो वो लड़का है जहीर, उसकी फैमिली से भी रابطہ किया, इधर से दुआ जहरा की फैमिली से भी रابطہ किया गया। दुआ जहरा की फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया जाए, तो ये लोग तो राज़ी थे। हर तरह की रिलैक्सेशन जो है वो जहीर और उनकी फैमिली को दी गई, मगर उन्होंने एक ऐसा रिस्पॉन्स शो किया जिसको कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि यार कुछ भी हो जाए, भले हमारी मर्ज़ी की मकाम हो, जगह हो, वक्त हो, सब कुछ हो, लाइक जहीर वालों का, उसके बावजूद भी वो कहता कि जहीर भी साथ हो, उसके बावजूद भी वो ये नहीं मान रहे थे कि यार लड़की जो है वो अपने माँ बाप से जो है वो मुलाकात कर ले ईद के दिन के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मेजोरिटी को और सबको ये लगने लगा कि यार वाकई ये जो है कोई और कहानी इसमें चल रही है, या रिसेंट पास के अंदर बहुत बार देखा गया कि जवान लड़कियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से बरगला के दूसरे शहरों में बुला लिया जाता है और फिर उन्हें गलत कामों या गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के केसेस तकरीबन लोगों को पता है, देखते रहते हैं कि अक्सर औकात होता यही है कि किसी और शहर की जो लड़की है वो कहीं और किसी शहरों के अंदर किसी और मसाइल और काम और मामलात और गलत चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल उनको किया जा रहा होता है। तो इस तरह के केसेस के ऊपर अब जो रिसेंटली न्यूज़ है, वो गवाह थे वो भी और जो निकाह खान थे वो भी, उन लोगों ने जो है अपनी ज़मानत जो है वो कराची के अंदर उसके लिए अपील की, जो इस टाइम पे अदालत ने मनसूख कर दी है। मतलब कि हालात इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं कि घेरा उनकी तरफ बहुत हद तक तंग हो रहा है। और अगर देखा जाए तो उनके वालदैन की आहें या उनके जज्बात सब कुछ जो फ्रंट पे नज़र आ रहे होते हैं, बज़ाहिर ऐसा नज़र आता रहा बड़े अरसे से कि शायद दुआ ज़हरा वहाँ अपनी मर्ज़ी से है, ये है वो है। देखिए, ब्रेन वॉश एक रियलिटी है। ब्रेन वॉश किसी इंसान का कर देना, वो कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, बड़ा हो, तो वो एक रियलिटी है, लोगों के होते हैं, फिर वो दूसरी तरफ चले भी जाते हैं, उन्हें दुनिया मुख्तलिफ नज़र से नज़र आने लग जाती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हर तरफ से आवाज़ यही इस टाइम पे उठ रही है और अब उसके मुख्तलिफ किस्म से सबूत और मामलात आना शुरू हो गए हैं कि यार हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें पहलू यही निकल रहा है कि दुआ जहरा को जो है वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। और ये तो एक ऐसा वाकया है जो शायद सामने आ गया, सोशल मीडिया पे सामने आ गया, उनके वालदैन की हिम्मत थी कि उन लोगों ने फ्रंट फुट पे आके हर तरीके से इस चीज़ को लड़ा, फेस किया, वो उन्होंने भले दुख सा हो, बेइज्जती सही, अज़ियत सही, पर उन्होंने फ़ेस किया, डट के मुकाबला किया। तो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक उन्हें इसका सिला अच्छाई में देंगे कि ये बच्ची मंजर आम पे आ गई, तो इसलिए जो है वो अब तक शायद महफूज है, अब तक जो है शायद उसके साथ कोई गलत इकदाम जो है वो नहीं हुआ है। मगर सैकड़ा हाँ इस तरह के मसाइल और मामलात हमारे मुल्क में शायद से पर्दा चल रहे होंगे जो सामने नहीं आते। तो ये सिर्फ हकूमती इदारों का तो है ही है फ़र्ज़, अगर वो इसमें तो कहीं ना कहीं कायली बरत रहे हैं तो हम जो आवाम हैं, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने इर्द गिर्द आप भी थोड़ी सी नज़र रखा करें, थोड़े से अपने सेंसर्स को एक्टिव रखा करें, थोड़ा अपनी कॉमन सेंस को एक्टिव रखा करें कि यार वाकई जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जहाँ हम जाते हैं आते हैं, वहाँ पे जो है वो क्या मामला चल रहे हैं, तो ताकि हम अपना एक इंसान होने का फ़र्ज़ तो अदा कर सकें। शुक्रिया।